हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डीजीपे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी 2 दिन हो गया है डीजीपे अपडेटिंग का कार्य चल रहा है और अभी डीजीपे है वो अपडेट भी हो गया है, न्यू वर्जन भी आ गया है। लेकिन जब अपन डीजीपे की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर हमारी वेबसाइट है ओपन नहीं होती है, 404 का एरर आता है, कभी 403 का एरर आता है, या फिर बहुत ही स्लो ओपन होती है, या फिर ओपन हो भी जाती है, अपन सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे क्लिक भी कर देते हैं तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में काफ़ी समय लगाता है और वो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर है डाउनलोड ही नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा कि आपको सॉफ्टवेयर है कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो मैंने पिछले 2 वीडियो के अंदर आपको बताया है कि विंडोज़ 7 के अंदर डीजीपे को कैसे इंस्टॉल करना है और विंडोज़ 10 के अंदर डीजीपे को कैसे इंस्टॉल करना है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने रजिस्ट्रेशन करके बताई है और डीजीपे को पूरा कंप्लीट चलाना भी बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डीजीपे का सॉफ्टवेयर हमारे को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो हमारे डीजीपे का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है उसी सॉफ्टवेयर का मैं आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपको लिंक देने वाला हूँ। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी आपका डीजीपे है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, और चल जाए तो आप कमेंट ज़रूर करना। तो अभी न्यू वर्जन डीजीपे के अंदर पेआउट का ऑप्शन नहीं है तो आपको कुछ समय वेट कर लेना है, आज शाम तक या कल तक वेट कर लेना। 1-2 दिन वेट करने के बाद में डीजीपे पेआउट का ऑप्शन भी हमारे को देखने को मिल जाएगा। अभी डीजीपे को अपडेट किया गया है तो हो सकता है किसी कारण से पेआउट को अपडेट पेआउट बंद किया गया हो या फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण पेआउट ऑप्शन चालू नहीं हो रहा हो। तो जब ऑप्शन आएगा तो बेस्ट तरीके से अभी डीजीपे हमारा काम करेगा। और फ्रेंड, मोबाइल डीजीपे अपडेट का भी वर्जन आ गया है तो मोबाइल का वर्जन है वो, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हमारे को देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और अभी हमारे न्यू वर्जन के अंदर MATM कनेक्ट करने का डेस्कटॉप वर्जन में कोई भी अपडेट नहीं आया है, तो इसके लिए भी हमारे को और वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।